जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय लेकर के आई हूँ मैं, जिनको करने से आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बाबा नीम करोरी महाराज और वीर हनुमान जी आपकी जो किस्मत ख़राब है, जो दुर्भाग्य है आपके जीवन में, वो सब कुछ खत्म कर देंगे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि तरक्की आएगी। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको इन छोटे छोटे उपायों से आपको आपके जीवन में बदलाव महसूस होगा। बाबा नीम करोरी पर विश्वास रखिए, वीर हनुमान जी पर विश्वास रखिए, वो जरूर आपकी किस्मत को संवार देंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय की बात बताने वाली हूँ, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य होगा, आप हर जगह से हार गए हों, आप बहुत निराश हों, आप परेशान ही रहते हों, आपके जीवन में खुशियाँ तो जैसे कोसों दूर चली गई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये उपाय कीजिए। मुझे इतना विश्वास है कि बाबा नीम करौरी और वीर हनुमान जी आपके सारे संकटों को आपके जीवन से दूर कर देंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में मंगलवार का दिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य और परम भक्त हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन संकट मोचन के नाम से जाने वाले भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली की पूजा उपासना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। बल बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। मंगलवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से चंद दिनों में किस्मत बदल जाती है। विश्वास रखिए बाबा नीम करौरी पर और हनुमान जी पर। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आपको मैं पीपल के पत्तों से ये उपाय जो बता रही हूँ, वो सिर्फ आपको करना है। दोस्तों, भगवान श्री राम को याद करके ही आप हनुमान जी की पूजा शुरू करें, नीम करौरी बाबा की पूजा शुरू करें, क्योंकि नीम करौरी बाबा स्वयं हनुमान जी के रूप हैं। तो देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। तो चलिए चलते हैं, पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आप करियर और कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते आप घर पर लेकर के आएं, उनको गंगा जल से धोएं और उस पर चंदन से जय श्री राम लिखें और मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें वो 11 पीपल के पत्ते। इसके पश्चात कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में ही बैठकर करें, और इस दिन पीपल के पेड़ को भी आपको जल अर्घ देना है, यानी जल चढ़ाना है। इस उपाय को करने से आपको मन मुताबिक नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, जो भी काम धंधे में समस्या आ रही है वो दूर हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं आर्थिक तंगी जो आपके जीवन में है, तो मंगलवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर के आएं घर पर, उसको गंगा जल से धोएं, उस पर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात पीपल के पत्ते को धन की देवी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इस समय सुख समृद्धि और धन की कामना करें जब आप अपने घर में ही मंदिर में लक्ष्मी जी को अर्पित करें, और पीपल के पत्ते को मां लक्ष्मी जी के समक्ष 7 दिनों तक आपको रख देना है। अपने घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी की आपकी फोटो है या प्रतिमा है, उसके सामने आपको पीपल का पत्ता हल्दी लगाकर रख देना है और 7 दिन तक रखे रहने देना है। फिर जो अगला मंगलवार आएगा, उसको वो पीपल के पत्ते को उठाकर और हनुमान जी को प्रणाम करके आप अपने पर्स में या फिर आप जहाँ अपने घर में पैसे रखते हैं उसमें वो पीपल का पत्ता आप रख दीजिए। फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होगी, जो पैसा आपके पास आता है वो भी रुकने लग जाएगा और आपके जीवन से आर्थिक तंगी धन की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, धन प्राप्ति हेतु मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते की एक माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन आप जाएं और पीपल के साफ स्वच्छ पत्ते तोड़ के लाने हैं, एकदम कटे फटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे और स्वच्छ और एकदम सही होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। उनको घर पर लाएं, फिर उनको गंगा जल से धोएं। गंगा जल से धोने के पश्चात आप अगर कर्ज में हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, बहुत तंगी हालत में चल रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके 11 पीपल के पत्ते को पानी या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। गंगा जल तो छिड़कना ही है। इसके पश्चात पीपल के पत्ते पर चंदन की मदद से श्री राम लिखना है।
चंदन से लिखना है और उसकी माला बनाएं और इसको हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज वो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं और आपके पास धन की समस्या जो है वो भी दूर हो जाती है। कहते हैं जिस जातक पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है या हनुमान जी उस पर कृपा बरसाते हैं उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है और वो अपने जीवन में सफल होता चला जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन तो हनुमान जी को ही समर्पित है और शनिवार का दिन, इस दिन उनका पूजन करने से जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाता है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है और भगवान राम तक पहुँचने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न तो करना ही होगा। अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे तो राम भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। धार्मिक शास्त्रों में हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है, क्योंकि जब स्वयं भगवान राम पर संकट आया था तो हनुमान जी ने ही उनको उस संकट से बाहर निकाला था। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संकट या परेशानी चल रही हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं तो मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय ये आप जरूर करें जो मैंने आपको पहले बताए हैं, और एक उपाय जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है जो आपको मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो उपाय पहले बताए हैं उनमें से आपको अगर सरल उपाय लगे तो वो आप करिए, नहीं तो ये उपाय तो रामबाण उपाय है। आपको क्या करना है, आपको 11 दिन तक ये उपाय करना है और पहले दिन मंगलवार से शुरू करना है। आपको मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है घर पर और उसको गंगा जल से धो लेना, यानी कि शुद्ध कर लेना है। फिर उस पीपल के पत्ते पर केसर और चंदन से, दोनों केसर और चंदन को मिलाकर उस एक पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखने के बाद आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को वो एक पीपल का पत्ता अर्पित कर दें और अपनी परेशानी जो भी मनोकामना है वो हनुमान जी को बता दें और मंदिर में ही एक हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर पर वापस आ जाएं। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है, जैसा पहले मंगलवार को किया है। पीपल का पत्ता लाना है, केसर और चंदन से जय श्री राम लिखना है, उसके बाद हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करके घर पर वापस आ जाना है। ये आपको 11 दिन तक करना है। फिर 11वें दिन आपको क्या करना है, वैसे ही आपको एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है, गंगा जल से शुद्ध करना है, उस पर केसर और चंदन से हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, 11वें दिन पीपल के पत्ते पर ये मंत्र लिखना है। फिर इसको ले जाकर आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें हनुमान जी को, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का एक पाठ करें और वो पीपल का पत्ता आपको वापस घर लेकर के आना है। वो पीपल का पत्ता एक घर लेकर के आकर आप अपने पर्स में रखें, हमेशा अपने साथ रखें पर्स में। फिर देखिए आपके जीवन से दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहेगा, हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा और आप पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले नीम करोरी बाबा और हनुमान जी उस संकट को दूर करेंगे। दोस्तों आप अपने जीवन में सफल होंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, आप हर कार्य क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों आप ये उपाय करिए मंगलवार को, 11 दिन पीपल के पत्ते का जो मैंने बताया है या जो आपको सरल लगे वो उपाय आप करें जितने मैंने बताए हैं, तो आपके जीवन में सफलता आएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और नीम करोरी बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की।